मोदी जी बहुत जल्दी से आप बोलिएगा, फिर मैं राम अवतार जी के पास जाऊंगी बहुत जल्दी से। गौरी जी, मोदी सरकार के द्वारा जो पोर्टल में दर्ज है, जो इनके द्वारा स्वीकारा गया है, वो केवल वही मौत है जिनकी मृत्यु अस्पतालों में हुई है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको अस्पताल में बिस्तर नहीं मिले, टेस्ट कराने के बाद उनकी मौत घरों में हुई है। छत्तीसगढ़ में मैं पहले भी कहूं अनुराग जी को, खुली मुनादी करा के आवेदन मंगाए गए, उनका परीक्षण किया गया, लगभग 60% ऐसे अरे आप 80,000 तो आप ये प्रक्रिया पूरे ये प्रक्रिया यदि पूरे देश में मंगाया गया तो 80,000 सरकार के जो विरोधी और इनके पर्दा हटेगा। सुन लीजिए सुन लीजिए गौरी जी, ऐसे बात नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में 22,310 जो मौतें हुई है कोविड के कारण, उनको हमने मुआवजा का प्रकरण में शामिल किया। पूरे देश में यदि ये देखा जाए तो भाजपा शासित राज्यों में स्थिति और ज्यादा भयावह थी, और निश्चित रूप से ये जो आंकड़े हैं मोदी सरकार के द्वारा वो छुपाए गए आंकड़े हैं। ठीक है राम अवतार जी, राजनीतिक पार्टियां आंकड़ों की बाजीगरी में उलझी रहेंगी, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है वो तो ठीक तरीके से विलाप भी नहीं कर पाए, इस बात का भी आपने जिक्र किया। और जिस मॉडल की हम बात कर रहे हैं, WHO जिस मॉडल पे उसने आंकड़ों को रिलीज किया है, तो भारत के 18 राज्यों में मौतों का जो डेटा लिया गया है वो वहां पे अलग अलग तरीके से इस डेटा को कलेक्ट किया गया है, तो कैसे मान लिया जाए कि हाँ ये ऑथेंटिक डेटा ही रहा होगा? कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा ना सर? देखिए, मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र का देखरेख करने का एक विभाग है, वो विभाग देखरेख करता है, वो एक आंकड़े तैयार करता है, और उसमें उस समय जो मौतें हो रही थी वो डॉक्टर लोग भी नहीं दे पा रहे थे कि वो कोरोना से मौत हुई, ये प्रमाण पत्र मिल भी नहीं पा रहा था बहुत लोगों की, बहुत लोग डर से मर रहे थे। ये आंकड़ों की बाजी से हटकर ये इसमें देखा जाना चाहिए कि जो प्रभावित लोग थे उनसे कैसे न्याय दिया जा सकता है, आगे कैसे हम बच सकते हैं, क्योंकि आगामी युद्ध जो होगा, जो विश्व युद्ध होगा, तो अब इसी तरह से तरीके से होगा, गोला बंदूक बारूद का जमाना खत्म होगा, इसी तरह से वैक्सीन करो, किसी देश को खत्म करो, कमजोर करो, ये एक तरीके से प्लान रहेगा। तो आने वाले समय में अब हमें मजबूती से इस दिशा में काम करना चाहिए ताकि हम और अपने परिवार को, आस पड़ोस के लोगों को, जो एक गरीब सामान्य आदमी, हर वर्ग का आदमी जो बेमौत मर गया है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाए, उनके साथ न्याय कर पाए। राजनीति तो हम बहुत जगह बहुत तरीके से भी कर सकते हैं, इस विषय में अगर ठोस और गंभीरता से, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा में देश को सबसे ज्यादा उन्नत होना चाहिए, सबसे सक्षम होना चाहिए, वही देश विकास करेगा और एक युवा पीढ़ी तैयार कर हम विश्व गुरु बन सकते हैं, उस दिशा में प्लान बनना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर पालीवाल, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और बता भी सकते हैं कि एक्चुअल, क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि हाँ जो डेटा आया है उसमें कॉन्ट्राडिक्ट तो है, दोनों ही एजेंसीज की अगर हम बात करें तो ये अपने अपने एक्चुअल फैक्ट को छिपा रही है। आप बताइए आपने किस तरह से किन तकलीफों का सामना किया, क्योंकि हमने देखा है कि नेग्लिजेंस हमने हर स्तर पे देखा है, जिन इक्विपमेंट्स जिन चीजों की जरूरत आप लोगों को उस वक्त थी वो नहीं था, और दोनों ही वेव में हमने ये भी देखा है कि ट्रायल चल रहा था मरीजों पे कुल मिला के, क्योंकि एक्चुअल गाइडलाइन भी नहीं थी कि किस तरह से किस दवा से ये चला जाएगा, हमने हर तरह की लापरवाही देखी है। थोड़ा आप भी प्रकाश डालिए, जनता समझना चाह रही है इस चीज को कि क्योंकि राजनेता सिर्फ अपनी दलगत राजनीति ही करेंगे, सही चीजें नहीं बताएंगे। आप भी इस बात को मानते हैं कि रेमडेसिविर से लेके वैक्सीन से लेके, फिर अगर हम बात करें वेंटिलेटर कंसेंट्रेटर ऑक्सीजन, हर चीज की कमी थी, मौतें तो हुई हैं सर, और कई डॉक्टर्स की भी जान गई है, कई नर्सिंग स्टाफ की गई है, कई मेडिको की जान गई है। देखिए राजनीति तो मैं समझता हूँ कि आधा गिलास खाली और आधा गिलास भरा, इसका झगड़ा चलता है,
और उसमें बिना किसी निष्कर्ष के बहस खत्म हो जाती है, ना किसी तरफ का निष्कर्ष निकलता, ना कोई प्रमाण आते, ना कोई तथ्य आते। जुबानी जबान खर्च के साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये भीषण द्वंद्व युद्ध में यहाँ भी देख रहा हूँ, लेकिन यदि हम यहाँ तथ्यों की बात करें तो निश्चित तौर पर यदि हम WHO की बात करें तो WHO से भी ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि उनके पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, उन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा किए वो स्टैटिस्टिक्स कहाँ उन्होंने प्रिजर्व किए, किनकी कस्टडी में थे, और उसके बाद कलेक्टिव रिकॉर्ड कीपिंग में उन्होंने किन किन की मदद ली, कौन कौन से उनके पास एजेंसीज थी जिसकी वजह से उन्होंने मदद ली। कोविड के समय मैं समझता हूँ कि सब जगह कहीं ना कहीं लॉकडाउन था, और बहुत इंपॉर्टेंट ये कि क्या उसमें इंडियन अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व थी या नहीं थी। ये बात आती है डॉक्टर पालीवाल, दो तरह के मापदंडों पे यहाँ पे WHO ने मतलब जो डेटा कलेक्ट किया है, Tier 1 और Tier 2। Tier 1 के देशों में सीधे जो मृत्यु दर के हिसाब से जो आंकड़े मिले हैं उनको सीधे सीधे इस्तेमाल किया गया है, और Tier 2 के देशों में मृत्यु दर के जो आंकड़े हैं उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग प्रक्रिया इसमें अपनाई गई है। ये दो तरह से इन्होंने डेटा कलेक्ट किए हैं, ये WHO इस बात का दावा करता है। मैं उसी चीज पर जा रहा हूँ कि आखिर कौन सी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, क्या स्टैटिस्टिक्स है, क्या कलेक्टिव रिकॉर्ड कीपिंग है उसकी, और बहुत जरूरी जो है उसमें इंडियन अथॉरिटीज कौन कौन इन्वॉल्व थी। उन इंडियन अथॉरिटीज में प्राइवेट सेक्टर भी हो सकती है, प्राइवेट एजेंसीज भी हो सकती है, गवर्नमेंट एजेंसीज भी हो सकती है। अब रहा सवाल, जैसे रामोता जी ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली, एक बायोलॉजिकल वॉर की पॉसिबिलिटी मैं समझता हूँ कि कोविड के बाद बहुत ज्यादा है, वो एक अलग विषय है, बड़ा विषय है, वृहद विषय है, उसमें इस वक्त समय के अभाव में यहाँ इस वक्त चर्चा करना मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पर कोविड के बाद बायोलॉजिकल वॉर की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, और बायोलॉजिकल वॉर वर्ल्ड वाइड फेस करना पड़ेगा, जहां कोई वीपनलेस बायोलॉजिकल वॉर होगा, जहां पर मौतों के तांडव के अलावा कुछ नहीं होगा। अब बात आती है यहां पर कि कैसे इन परिस्थितियों से निपटा जाए। यदि भारतीय सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने इस पर आपत्ति ली है तो सही किया है, क्योंकि राष्ट्रीय साख का विषय है, और यदि WHO इस बारे में सही जवाब नहीं दे पाए तो निश्चित तौर पर WHO को विश्वसनीयता का भी मामला आएगा। एक की विश्वसनीयता और एक की साख दोनों दांव पर लगी है, बजाय हम इसमें राजनीतिक बहस करने के, हमारी चादर और हमारी कमीज ज्यादा सफेद, हमें प्रतीक्षा करना चाहिए, और शासन को भी इस बारे में मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज और पटल पर जिस तरह की उन्होंने स्टेप ली है लेना चाहिए। और उसके बाद ये देखिए, कोविड एक ऐसी चीज थी जिसमें ना सरकार की ना सरकार की भाव है, बस आपसे संक्षेप में ये जानना चाहूंगी कि WHO का ये जो डेटा बेस है वो आपके हिसाब से क्या रहा होगा। देखिए, पूरी तरह विश्वसनीय तो नहीं लगता, क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि WHO स्वयं खासकर इंडियन टेरिटरी के लिए विश्वसनीय संस्था नहीं है, और पिछले 3 वर्षों से चिकित्सा जगत में हम संवैधानिक संस्थाओं से सम्मान जरूर करते हैं पर विश्वास करने योग्य नहीं। योगीराज जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। एक तो मैं संक्षिप्त में जवाब दे दूं, चूंकि कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी ने सवाल उठाया था कि आंकड़ों को जान के आप क्या करोगे, ये मुझे भी पता था कि इसका आंसर यही है ना कि मुआवजे और तमाम तरह की चीजें देंगे। अब मेरा यही कहना है कि वो मुआवजा 5 लाख रुपए एक मौत को देने का तय हुआ था, क्या छत्तीसगढ़ में एक मौत पर 5 लाख दिए गए, क्या राजस्थान में एक मौत पर 5 लाख दिए गए, क्योंकि मध्य प्रदेश का आंकड़ा तो मुझे पता ही है 50,000 से ज्यादा नहीं मिला, उसमें भी बड़ी मशक्कत। एक मिनट में कंक्लूड कर लूं, 4 लाख का प्रावधान है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, ना 5 लाख तो है ही नहीं छत्तीसगढ़ में, तो है ही नहीं 50,000 दे रही है। केंद्रीय अधिनियम है, मेरी फिर से आपत्ति है, आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा में बात ना करें, मेरा निवेदन है। मैंने तो कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है 50,000 दिया जा रहा है। मैं तो जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोला था, बहुत ध्यान से मैंने आपको, ठीक है, आपने 4 लाख मुआवजा कितना दिया? आप गलत, देखिए ये मैं पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, यदि आप नहीं करेंगे तो मेरा तो सुन लीजिए आप, ठीक ठीक, मैं संसद में 2 बात कहना चाहता हूँ। एक तो क्या छत्तीसगढ़ में सारे लोगों को 4 लाख का मुआवजा मिल गया क्या? दूसरा, जो अनुराग जी ने आपत्ति उठाई कि नहीं वहां तो 1 लाख मरे, तो कांग्रेस के अपने आंकड़े हैं, बीजेपी के अपने आंकड़े हैं, इसलिए मैंने कहा कि इन आंकड़ों में उलझने का कोई मतलब नहीं है, सांप मरने के बाद लाठी पीटने के अलावा ये कुछ नहीं हो रहा। दूसरा, एक चीज बस मैं कहना चाहता हूं कि अभी कहा गया कि संसद में ये कहा गया कि ऑक्सीजन से एक भी मौत हुई, मैं तो देश में उस सूर्यवीर का नाम जानना चाहता हूं जो ये ठोक के कह जाए कि हमारे राज्य में ऑक्सीजन से मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने खुद ने मना किया, जवाब ले लेंगे इसका भी, हम जवाब ले लेंगे, स्वीकार किया है। देखिए, छत्तीसगढ़ के सीएम ने खुद ने कहा हमारे ऑक्सीजन से मौत हुई, 14,022 है ऑक्सीजन से छत्तीसगढ़ में मौत हुई कि नहीं, मेरा ये सवाल। 296 लोगों को ना केवल माना है,
छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से हुई है। कांग्रेस ने शुरू से इस बार 1000 का काम किया है, पिक्चर बढ़ाया कोविड के। सुन लीजिए मेरा निवेदन है, ये मोदी पर काम करने वाली पार्टी है। हमने स्वीकार किया सेवा का काम नहीं किया है, देश बल्कि 19,000 देश की सरकार को कंघरे में खड़े करने का काम किया है। नहीं, ऑक्सीजन से मौत देश में हुई नहीं, कहीं नहीं हुई। तो हो रहा है बता दें, छत्तीसगढ़ में कितनी मौत हुई आपकी? कोरोना के पक्ष में नहीं है, टूल किट वाले लोग हैं छत्तीसगढ़ में। अरे आप टूल किट वाले लोग हो, टूल किट वाले तो मोदी सरकार पूरे देश में लागू करे। छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन से कितनी मौत हुई मैं जानना चाह रहा हूँ। यह पारदर्शिता है और इसी कारण सुन लीजिए, इनकी कोई संवेदनशीलता नहीं है। कांग्रेस पार्टी खुली मुनादी करवाए हमने, केंद्र सरकार 14,000 कहती है। सवाल समय का अभाव है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका है और कितनी विश्वसनीयता है, ये आज के समय में हर कोई जानता है और इस बात से बखूबी अंदाजा भी लगाया जा सकता है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जिस तरह से वार जो युद्ध चल रहा है उसमें किस तरह से जो यूनाइटेड नेशन है वो कितना सफल रहा है, कितना असफल रहा है, ये हम और आप बखूबी जानते हैं। बहरहाल सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अनुराग जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। योगीराज जी आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पालीवाल जी आपका भी शुक्रिया। राम अवतार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में कोरोना से 47,00,000 मौतों के आंकड़ों का जिक्र किया गया है। अगर वाकई में ये आंकड़ा वास्तविक है तो ये बेहद ही चिंताजनक है और इसे लेकर अब केंद्र और राज्यों में सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सवाल उठेंगे। लेकिन जो बात हजम नहीं हो रही है वो ये है कि जब राज्यों से केंद्र को कोरोना से मौतों के जो आंकड़े मिले हैं उसके आधार पर भारत सरकार ने कुल आंकड़े जारी किए हैं जो अभी 5,50,000 के भीतर सीमित बताए जाते हैं और ऐसे में WHO की रिपोर्ट में भारत के अंदर कोरोना से 47,00,000 मौतों वाले आंकड़ों को भी कैसे सच मान लिया जाए। बहरहाल ये मुद्दा बेहद गंभीर है और ऐसे में जरूरी है कि सच सबके सामने आना चाहिए। हालांकि ये आएगा या नहीं इसका कुछ भी पता नहीं। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में मुझे राजेश गौरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।